हाय फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। रीज़न ये है कि होली का फेस्टिवल बिल्कुल आ चुका है, पास ही में है, 25th को, और कोई प्रिपरेशन अभी हो ही नहीं है। होली की एक ही एक खासियत होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें तरह तरह के आप शौक से चीज़ें बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं। आई थिंक उसमें एक जोश रहता है आपको, और एक ऑब्सेशन सा हो जाता है, एक नशा सा। आप बनाए हैं, बस बनाते रहें बनाते रहें। मैं भी यही कर रही हूँ आजकल, जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, चुराना पड़ता है टाइम उसके लिए, और बाकी घर के कामों से, डॉग से, खेत अपने खेत से, अपने किचन गार्डन में इतना काम पड़ा रहता है, उससे जब टाइम बचता है तब जाके मैं वो सब बनाती हूँ। उसके बाद खड़े खड़े तो पाँव तो दुख ही जाते हैं, पता ही रहता है कि पूरे दिन खड़ा ही रहना है। तो आज आपसे बात कर रही हूँ और एक नया किस्सा लेके आई हूँ, और ये किस्सा है मार्च 1999 का। तो उस समय तक, उससे पहले, मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ, जब मैं वहाँ चंदौली में थी उसी समय, जब 1999 मार्च में, तो उस समय मतलब जब अपने खेती कर रही थी, तो वहाँ लोग कहते थे कि कोबरे हैं वहाँ, ब्लैक कोबरा बहुत लोगों ने देखा था, और लोग कहते थे कि ये बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ है वो, और जहाँ भी दिखता है वो, मतलब उससे लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि मतलब एक ही नहीं होते हैं वो, बहुत होते होंगे, पर वो ब्लैक ही थे। तो उन्होंने कहा कि वो रास्ते तक पीछा करता है। वहाँ के लड़के मुझे बताते थे जो गांव के थे कि वो इतना ख़राब है कि अगर वो दिख जाए किसी को तो वो पहचान जाता है, फिर पीछा करता है घर तक छोड़ के, मतलब पीछे करता है। तो मैं हंसी आती थी इस बात पे कि ऐसा तो कहीं नहीं होता, और एक ही थोड़ी होगा, बहुत होंगे वो तो। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जिनकी ज़मीन मेरे पास थी, वो लेडी, उसकी मम्मी थी, जो संजय था उसकी मम्मी थी, उसको वो जा रही थी गार्डन, मतलब अपने खेत में कुछ काम कर रही होगी, और एक कोबरा ने उनको काट लिया। तो उसी समय इमिडिएटली उनको दून हॉस्पिटल ले गए। ये जो एंटीवेनम होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही मिलता है, प्राइवेट नहीं रखते हैं, तो इसलिए मुझे तब पता चला उस समय कि वहीं मिलता है। और वहाँ गए तो इमिडिएटली उनको एंटीवेनम मिला, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गई थी, तो शायद काफ़ी उनको असर चढ़ गया था, जहर काफ़ी चढ़ गया था, पॉइजन। तो मतलब वहाँ भी 3 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन थी वो हॉस्पिटल में। उसके बाद जब घर आई तो उसके बाद वो नशे में रही, जैसे नशे में सोता आदमी वैसे सो रही थी वो लगातार। हम मैं देखने गई थी तो कुछ उनको सुध बुध नहीं थी, लोग कहते कि अभी 3 4 दिन तक यही हाल रहेगा, उठेंगी नहीं। तो फिर उसके बाद ऐसे ही, मतलब मेरे को भी थोड़ा इंक्विजिटिव सी होने लगी, मैंने कहा मैं तो इतने समय से हूँ यहाँ, 1.5 साल हो रहा है मेरे को, और मुझे क्यों नहीं दिख रहा वो, मुझे भी दिखना चाहिए। लेकिन मेरे को खैर दिखा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि किसी भी कंडीशन में मैं जाऊँ, घास भी हो कहीं भी हो, बट वो नहीं दिखा। और इसके कुछ दिनों बाद उसका कज़न ब्रदर को भी, वो संजय के कज़न ब्रदर को भी, वो भी जा रहा था रास्ते से शायद, या पता नहीं, हाँ होगा, झाड़ियों के पास, वहीं से कोबरा ने उसको भी काट लिया। तो फिर उसके बाद उसको भी दून हॉस्पिटल ले गए, वही सेम वही हालत हुई। 2 3 दिन रखने के बाद घर में भी 3 4 दिन तक उसको ज़्यादा असर हुआ था, शायद थोड़ा टाइम लग गया होगा ले जाने में, तो वो 4 5 दिन सोता रहा, मतलब ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस सा। तो मुझे बहुत वो लगने, अब मुझे परेशानी से होने लगी कि ऐसा कैसे, सबको दिखता है मेरे को क्यों नहीं दिखा, जो अगर इतना इतना सब जगह सब घूम रहा है वो, तो मेरे को भी दिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखा। और उसके बाद जब मेरे वहाँ जाने का, मैंने अपना फार्म ले लिया, तो मेरे को लगा कि बेहतर है कि अपने जितने भी बीज बचे हैं, वैसे तो हाइब्रिड जो होते हैं बाहर के होते हैं, जो हॉलैंड के होते थे, हमारे हॉलैंड से आते थे, माइक्रोप्लांटी कंपनी के, तो क्रेट्स में आते थे। उसका ये होता है कि एक ही बार आप उसकी क्रॉप ले सकते हैं, और सेकेंड टाइम वो एक तो डिकम्पोज हो जाता है उस ज़मीन में ही, डिके हो जाते हैं बल्स, और अगर कुछ बचे भी तो उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तब वो बिल्कुल लोकल बन जाते हैं, जैसे लोकल रेड बहुत सस्ते वाले मिलते हैं, यहाँ वही मिलते हैं, उनको भी पता नहीं कितना महंगा बेचते हैं। हम लोग उसको फेंक देते थे, क्योंकि हमें लगता था कि अपनी रेपुटेशन क्यों ख़राब करें हम, क्योंकि मैं तो दिल्ली जाते थे फ्लावर्स, और 5 स्टार होटल्स में जाते थे, तो मैं उनको नहीं रखती थी, लेकिन बस एक बार ही ले सकते हैं,
उसमें 2.5 रुपये का एक बल्ब होता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 1997 से मैंने शुरू किया था, तो मार्च 1999 हो गया। तो मेरे को लगा कि अब मेरा जब मेरा अपना फार्म हो रहा है तो मैं अपने जो भी बल्ब हैं उनको निकालूं, पर वो वही होता है कि वो तो डिके हो जाते हैं, ज़मीन ख़त्म कर देती है। मतलब बहुत मुश्किल से दो चार, तो मेरी एक चौकीदार मैंने रखी थी रामकली, वो अच्छी सी गांव की लेडी थी, मतलब बहुत अच्छी थी, तो वो निकाल रही थी खोद खोद के बल्ब। और बरसात मतलब उस समय घास हो रखी थी काफ़ी, और मुझे लगा कि ये बारिश हुई थी उस बीच काफ़ी, तो घास तो बढ़ ही जाती है। फिर हम घास निकाल भी नहीं रहे थे क्योंकि अब तो मुझे जाना ही था, तो हमेशा मैं गंबूट पहन के आती थी, गंबूट लेके आती थी घर से, कार में रखती थी, कार काफ़ी दूर पार्क रहती थी क्योंकि खेतों में आने के लिए तो फिर पगडंडी होती है, तो गंबूट पहन के मैं फिर अपने खेतों में आती थी और फिर अपना घूमती रहती थी और रामकली निकाल रही थी बल्ब उस दिन। और मैं काफ़ी ऊंची घास थी, करीब 6-8 इंच तो ऊंची होगी वो, तो उसमें मैं आराम से अपना घूम रही थी क्योंकि मेरे पास कुछ करने को था नहीं। और दो दिन बाद मुझे वो फार्म छोड़ना था, तो मैं अपना जब ऐसे ही मैं आगे देखते हुए और सोचते हुए कुछ कुछ सोच रही थी, शायद मैं वो सोच सोचते मैं आगे बढ़ रही थी, अचानक पता नहीं शायद मेरी किस्मत में अभी तक जिंदा तो रहना लिखा ही था, तो नहीं तो पता नहीं क्या होता। और अचानक मैं नीचे देख लिया, आगे देख रही थी वैसे सामने, अचानक पता नहीं क्यों क्या हुआ मैं नीचे देखा और वो कॉयल करके बड़ा सा, इतनी बड़ी कॉयल करके वो गोल मोटा सा ग्लिसनिंग ब्लैक जैसे चेरी ब्लॉसम होता है पॉलिश, उतना ही चमकीला, बिल्कुल चमकीली, इतना खूबसूरत सा गोल सा बन के बैठा हुआ और अगला पाँव मेरा उस पर होता, जो मैं मुझे नहीं पता था वो ऊपर से आ रहा था, स्टेप होते हैं जो फील्ड होते हैं स्टेप, तो ऊपर वाली स्टेप से नीचे वाली स्टेप में आ रहा था वो, नीचे और भी जाना चाहता था, उससे पहले मेरे को उसको आ गई, उसके जो भी उनके सेंस होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स, उससे उसको पता लग गया कि कोई आ रहा, काम तो होते ही नहीं ना कुछ होता उनको, बट उनकी स्किन में जो होता है उससे उसको पता चल गया। और वो गोल तब तक जैसे ही मैं नीचे देखा और मैं और उसी उसको जैसे ही उसने देखा कि पास आ गई, मतलब मैं अगला पाँव अगला मेरा स्टेप उस पर होता और अगर मेरे पाँव को तो नहीं एकदम काट पाता क्योंकि गंभूर था, लेकिन उछल सकता था क्योंकि करीब 5.5 फीट के होते हैं कोबरे, उतना था वो मैच्योर कोबरा था अच्छा मोटा, और वो उछल के शायद मेरा मुंह पे भी काट सकता था और बड़े आराम से कहीं भी काट सकता था, लेकिन वो उसको उसने अपने आप को फिर उसने खड़ा कर दिया अपना हुड ऐसा करके, लेकिन मेरी तरफ नहीं था हुड, हुड था वहाँ जहाँ उसको नीचे जाना होता है, और वो बिल्कुल वहीं पे। अब मैं बिल्कुल उससे, मैं ना पीछे हटी ना आगे हटी, मैं बिल्कुल उससे स्ट्राइकिंग रेंज पे थी, अगर वो मेरे को काट सकता था बड़े आराम से क्योंकि मैं खड़ी रही। फिर मैंने रामकली को आवाज़ दी, मैंने उसको देखा, उसके बहुत खूबसूरत हुड था, उसमें पतले पतले वाइट ब्लैक था पूरा, तो टोटल तो उसके हुड पे वाइट 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 पतली पतली स्लिट जैसी लाइनें थी, छोटी 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 पतली और बहुत खूबसूरत, तो मैं उसको एडमायर कर रही, अप्रिशिएट कर रही। मैंने रामकली थोड़ी देर, मैंने कहा रामकली आओ इधर आओ, यहाँ सांप है, तो वो आई, वो भी कह रही मैडम आज तक तो हमने पिक्चर्स में ही देखा था, आज तो सामने है और अभी तक नहीं देखा। और फिर उसके बाद हम दोनों उसको देखते रहे, बातें करते रहे, और वो बाहर मतलब नीचे की तरफ जहाँ उसको जाना है उधर की तरफ, मेरी तरफ नहीं। और उसको जब थोड़ी देर में उसको लगा कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अपना वो भी जानते हैं, असल में हम लोग उनको गलती से मारते हैं, जब तक हम लोग उनको नुकसान ना पहुँचाए, उनको दबे ना वो, तो काटेंगे क्यों वो, तो मेरे जैसे मेरे साथ वो मुश्किल से वो मेरे को काट सकता था, बड़े आराम से उछल सकता था, मेरी तरफ आ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसको पता था कि मैं उसको कोई हार्म नहीं पहुंचा रही हूँ। उसने फिर ऐसे अपना नीचे किया और फिर नीचे जब नीचे जाने लग गया, देन आई रियलाइज कितना लंबा है और मोटा और लंबा, और उसको नीचे जाते हम देखते रहे लास्ट तक, वो जंगल में जाके कई 3-4 ये स्टेप्स वाले फील्ड थे उनको क्रॉस करता हुआ फाइनली वो अंदर नीचे जंगल था साल का, वहाँ चला गया। तब मुझे पता चला कि कितना मैजेस्टिक एनिमल होता है, कितना सुंदर होता है, और हम लोग अपनी गलती से ही उसको मार देते हैं।
आई मीन वो तो हमें कोई हार्म नहीं करा। अगर मैं उसको पता था ये हार्म नहीं करेगी, वो सिर्फ मेरे को सुनता रहा और जब उसको लगा कि कुछ नहीं है तो वो चला गया। और मतलब हम लोग उसको देखते रहे और इतना खूबसूरत, तो वो उसके बाद दूसरे बस मेरी इच्छा पूरी हो गई कि मुझे उसको देखने को मिल गया। उसके बाद मैं अपना मैंने वो फार्म 2 दिन के बाद मैंने वो छोड़ दिया। थैंक यू।